ओके स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे इस सबक की मशक। सबसे पहला सवाल है, दुरुस्त बातों पर टिक और गलत बातों पर क्रॉस का निशान लगाएं। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं। इन जुमलों में जो सही होगा हमने उस पर टिक लगाना है और जो गलत होगा हमने उस पर क्रॉस लगाना है। सबसे पहला जुमला है, नमाज पढ़ने के दौरान कपड़े ठीक कर सकते हैं, तो इसका जवाब होगा गलत। दूसरा जुमला है, नमाज पढ़ते वक्त इधर उधर देख सकते हैं, नहीं। नमाज पढ़ते वक्त हमने सिर्फ तवज्जा कहाँ रखनी है, हमने तवज्जा अपनी नमाज की तरफ रखनी है, तो इसका जवाब है गलत। नमाज के दौरान इधर उधर की बातें करनी चाहिए, नमाज के दौरान इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। जी बिल्कुल, नमाज के दौरान इधर उधर की बातें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, तो यहाँ आप लगाएंगे टिक, सही। मस्जिद में नमाज पढ़ते वक्त सफ में खड़ा होना चाहिए, बिल्कुल। मस्जिद में हमें जाकर मस्जिद के आदाब को अपनाना चाहिए और सफ बंदी करनी चाहिए, एक कतार बनाकर तमाम लोगों को खड़ा होना चाहिए, तो इधर भी आप क्या मार करेंगे, सही। नमाज पढ़ने के लिए वजू करना जरूरी नहीं, बिल्कुल गलत। वजू के बगैर नमाज अदा नहीं हो सकती, तो हम सबको चाहिए कि हम पहले वजू करके खुद को पाक करें और उसके बाद नमाज अदा करें, तो यहाँ पे आ जाएगा गलत। नमाज पढ़ने के लिए कपड़ों का पाक और साफ होना जरूरी है, बिल्कुल। नमाज पढ़ते वक्त हमें अपने कपड़े पाक और साफ रखने चाहिए, ठीक है बच्चों। आपने भी अपनी बुक पर इन तमाम गलत फिक्रों के सामने क्रॉस का और सही फिक्रों के सामने टिक का निशान लगाना है। हमारा अगला सवाल है, सवाल नंबर 2, नमाज के दौरान किन बातों को याद रखना चाहिए। फ्लो चार्ट में 4 नई बातें लिखें। ये एक फ्लो चार्ट है जो आपके पेज नंबर 11 पर, पेज नंबर 11 पे मौजूद है। सबसे पहले, नमाज में हंसना नहीं चाहिए। दूसरी बात, नमाज में नमाज पढ़ते वक्त मुंह किबले रुख होना चाहिए। किबला मतलब जहाँ, जिस तरफ अल्लाह ताला का घर है उस तरफ मुंह करके हमने नमाज को अदा करना है। नमाज बहुत जल्दी ना पढ़ें। तीसरी चीज़ है नमाज के लिए, चौथी चीज़ है नमाज के लिए वजू करना ज़रूरी है। नमाज के लिए कपड़ों का पाक साफ होना ज़रूरी है। नमाज के दौरान कोई और बात ना सोचे। नमाज का मतलब इंसान, बंदा और अल्लाह ताला आपस में क्या करते हैं, हम कलाम होते हैं। बंदा अपनी तमाम बातें अल्लाह ताला से करता है, तो उस वक्त हमें सिर्फ नमाज में अल्लाह ताला को याद करना चाहिए। नमाज मस्जिद में पढ़ते वक्त सफ में होना ज़रूरी है। और सबसे आखिरी, नमाज पढ़ते वक्त इधर उधर ना देखें। प्यारे बच्चों, यहाँ जहाँ डैश लगा हुआ है आपने डैश में ये तमाम जुमलों को लिखना है, ताकि ये फ्लो चार्ट क्या हो जाए, ये फ्लो चार्ट मुकम्मल हो जाए। आपको समझ में आ गया कि नमाज में हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आपने बिल्कुल इसी तरह कोशिश करनी है कि जब आप अपने वालदैन के साथ नमाज पढ़ें या नमाज सीखें, तो इन तमाम बातों पर अमल करें। ओके स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है जो पेज नंबर 12 पर है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, नमाज पढ़ने से हमें क्या हासिल होता है। हर जुमले को इसके दुरुस्त नंबर में लिखें। जी हमने अपने चैप्टर में जब पढ़ाई कर रहे थे, चैप्टर की रीडिंग कर रहे थे, तो हमने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा था कि नमाज पढ़ने से सबसे पहले क्या होता है, अल्लाह ताला खुश होता है। तो सबसे पहला नंबर पे क्या आएगा, अल्लाह की अतात। नमाज पढ़ने से क्या हासिल होती है, अल्लाह ताला की अतात। हम अल्लाह ताला को खुश कर सकते हैं, ठीक है। नमाज को या अल्लाह को याद करना, दूसरे नंबर पे क्या आएगा कि नमाज में हम अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह को खुश करना, पाक साफ रहना और दुआ करना। मतलब नमाज पढ़ने से हम ये 5 बुनियादी चीज़ें क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो आप सब ने भी क्या करनी है, नमाज पढ़नी है। अपने घर में भी बहन भाइयों को कहना है कि वो सब भी क्या करें, नमाज को अच्छे तरीके से अदा करें। अब हम चलते हैं अपने इस सबक के आखिरी सवाल की तरफ। तो आखिरी सवाल क्या है हमारा,